नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पार्ट साला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ही प्रोफेशनली हम लोग बैठ गए, बहुत शांति से बैठ गए, जबकि ये माहौल था नहीं। अभी कैमरे पर हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं ना। काफी सही थे। चलो बताओ क्या नाम है दोस्त, तुम बताओ। मेरा नाम मंगल यादव है और मैं यही बनारस का हूँ। कहाँ से बनारस? बनारस है बलुआ घाट, आप जानते नहीं? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ। जालुपुर। तुम्हारा नाम भी मंगल वाला है भाई, मंगल। मेरा नाम राहुल यादव, मैं सोनभद्र से हूँ। सोनभद्र रावर्सगंज से। रावर्सगंज से? हाँ। रावर्सगंज कहाँ से? रावर्सगंज से एक सागंज पड़ता है। सागंज में कहाँ से? सागंज में भलवा गांव पड़ता है। बगल में मैं वहाँ से हूँ। यहाँ पे मैं जियोलॉजी ऑनर्स का कोर्स कर रहा हूँ बीएचयू से। अच्छा, आप बताओ दोस्त। जी मेरा नाम आयुष है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। मुजफ्फरपुर जी। और यहाँ मुझे बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स कोर्स मिला है। लीची वहीं का है ना? हाँ, लीची वहाँ का फेमस है काफी। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है, मैं यहीं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश, और मैं भी बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी कर रहा हूँ मेन कोर्स में। अभी मंदिर बनने के बाद गए कि नहीं उधर? हाँ, मंदिर बनने के बाद गए कि नहीं उधर? अभी तो नहीं गए, अभी बीएचयू फंसा के रखा हुआ है। चलो बताओ भाई, कैसा मतलब बीएचयू में आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? सब फर्स्ट ईयर ही हो, सब फ्रेशर ही हो। सेमेस्टर टू कैसा लग रहा है बीएचयू में आने के बाद? काफी सही, एक ओपन कैंपस है तो और ज्यादा अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करने में। काफी तरह तरह के लोग हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो ये सब यहाँ की पॉजिटिव बात है और एटमोसफेयर भी काफी सही है। अच्छा, यहाँ एडमिशन लेने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा? प्रिपरेशन तो करना पड़ा एक साल। बेसिकली सब बायो वाले हो, तो मुझे लग रहा है पहला प्रायोरिटी तो नीट रहा होगा। पहला नीट ही था, फिर नीट में फेलियर मिला होगा। नीट में फेलियर मिला तो फिर इधर सक्सेस हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या सोच रहे हो? नेक्स्ट ऑप्शंस तो अभी मेरा ऑनर्स के बाद एमएससी करने का है। मास्टर करोगे? मास्टर जी, मैं भी सीयूईटी पीजी का तैयारी करूंगा और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का इधर क्लियर हो जाए। वही मेरा भी पीजी का तैयारी रहेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद मैसेज कर रहे थे, उनका बैक वैक कुछ लग गया, तो कैसा है क्या मतलब आने के बाद बैक वैक लग जा रहा है? कॉपी चेकिंग किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, इस सब्जेक्ट चेकिंग में काफी टफ होता है, लीनियंट मार्किंग नहीं करते हैं टीचर्स, तो इस कारणवश। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि टीचर में कमी है, बच्चों में नहीं है? टीचर्स में ऐसा नहीं है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। जहाँ मार्क्स बच्चों को देना चाहिए कभी कभार जिस पॉइंट्स पे, वहाँ भी कभी कभार नहीं काट लेते हैं वो। देखो बस शॉर्ट में समझाना चाहूंगा एक बहुत छोटा सा, कि अभी हम लोग जस्ट ट्वेल्थ के बाद आते हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉपी राइटिंग मैथड कुछ और है, ट्वेल्थ की बोर्ड कॉपी राइटिंग कुछ और होती है, और प्रोफेसर्स की एक मेंटेलिटी होती है, नए नए आए हो तो रगड़ेंगे तो बन जाओगे। लेकिन रगड़ने का मतलब एक कत्ते में नहीं कह रहा हूँ बैक लगा दो। मुझे लग रहा है बहुत से बच्चों को बैक लगा दिए गए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर काबिल हैं तो ठीक ठाक बस डरा दो, लेकिन उन्हें ऐसा भी नहीं कि हताश हो जाए, निराश हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगने के बाद तो और दयनीय स्थिति हो जाती है, आते आते ही बैक लगे। कुछ तो मेरे से ही बोल रहे थे कि क्या मुझे दोबारा सीयूटी देना पड़ेगा। मैं मजाक में डरा दिया, मैं कहा भाई तुम्हारा नाम तो कट जाएगा। भाई बैक एक वरदान है, बैक लगने से तुम्हारा बीएचयू में एक वर्चस्व बढ़ जाता है, तुम अब यहाँ के हीरो कहलाने लगोगे। तो मुझे लग रहा है उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बताइए मंगल जी, मंगल जी से सच्चाई जानना चाहेंगे, बीएचयू की कमियां बताओ एडमिशन लेने के बाद, वो जो एक भ्रांति मन में आई कि गलत जगह एडमिशन ले लिए, सच है? नहीं, मैं सोचा था ट्वेल्थ के बाद जब मैं निकलूंगा किसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, शायद मुझे बहुत ऑप्शन मिलेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन लेकिन बीएचयू में आने के बाद बस थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहे हैं, कब मिड सेम खत्म हो रहा है, फिर सेमेस्टर स्टार्ट हो जा रहा है, काफी क्लासेस करनी पड़ती है, तो मतलब वो हैरी पॉटर वाली स्कूल वाली फीलिंग थी क्या? हाँ, लैब टू लैब जाएंगे, बढ़िया झाड़ू होगा, ऐसे छड़ी घुमाएंगे और चीजें बस प्रैक्टिकल होने लगेगा। अच्छा, तो मतलब ये भ्रांति थी, मतलब टूट गई? हाँ, टूट गई पूरी तरह से, पूरी तरीके से। और कुछ बताओ, कुछ भी और क्या है? यहाँ पे ऐसे कैंपस में आते हैं तो एक बीएचयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके आप किसी भी मतलब फील्ड में इजीली ग्रो कर सकते हैं, स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी हो चाहे किसी कल्चर में हो, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके देगा कि आप किसी भी इजीली मतलब किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो कर रहे हो भाई? अच्छा दीजिए, कहनी कितनी आसान है। ये सब ज्ञान मैं भी दिया करता था।
सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे से प्योर बातें कोई नहीं करेगा। मैं बड़ा अच्छे से बोलता था कि देखो मैं तो स्विमिंग भी, सच बताएं तो जितना मैंने बी एच यू का प्रॉफिट लिया है, मेरे आज 3000 वीडियो यूट्यूब पे हैं और बी एच यू के वाईफाई से अपलोडेड वीडियो है, तो मेरे से ज्यादा फायदा तो कोई उठाया ही नहीं होगा। तो दोस्त कोशिश करो कि तुम्हारे घर वाले फायदा ना उठाए, तुम उठाओ। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम स्पोर्ट्स में। हाँ, अभी यही तो कोशिश चल रही है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा। YouTube चैनल भी बना सकते हो तुम लोग। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आजकल मेरे को ऐसे भी कॉल आते हैं कि सर प्लीज बताओ ना आपने कैसे शुरू किया था। मैं कहा क्या, तो बोलते हैं YouTube बता दो भाई। मैं कहता हूँ क्यों आगे का कुछ, अरे हम नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब ही शुरू करते हैं। तो अच्छा, सोशल मीडिया को लेकर ऐसा माइंड में रहता है क्या कि यूट्यूब चलाना अच्छा आइडिया है? अभी जिस हिसाब से अभी की सोसाइटी में यूट्यूब या रील्स वगैरह जितने ट्रेंड कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसको भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है पर इसमें सब लोग अच्छे नहीं कर पाते। मेहनत बहुत है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं आजकल वायरल होना तो बड़ी बात नहीं है, मतलब थोड़ा तुम्हें वो करना पड़ेगा, थोड़ा जो बाकी जो हर लोग नहीं कर पाते, चीजें करनी तो वो सब करनी पड़ेगी, तुम लोग नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन एक चीज कर सकते हो, वो डे माय फर्स्ट डे ऑफ मेस बी इन बी एच यू, माय फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी क्लास, इस तरीके का ब्लॉग। अच्छा, सब चीज छोड़ दो, ये बताओ कि मेडिकल का एम टूट गया, अब वो सपना चकना चूर हो गया, तो क्या बीएससी के बाद ये फिर से सपना साकार हो सकता है? कोई ऐसा ऑप्शन है फील्ड, ऐसा कोई फील्ड है? एमबीबीएस तो टफ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, खत्म हो गया। बाकी बायोटेक ये सब में एक्सप्लोर किया जा सकता है, मतलब एज अ टेक्नीशियन इन लेबोरेटरी, ऐसे कुछ, मतलब फॉरेंसिक में, और फार्मा कंपनीज में, मेडिकल जितनी भी कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर वगैरह में, इन सब में एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें, एग्रीकल्चर रिलेटेड में है। बट एज जो अपने आप को बनाना था डॉक्टर, वो वाला सपना खत्म हो गया। नर्सिंग कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन रहता था, नर्सिंग एक ऑप्शन रहेगा। और बताओ, ये जो लोकेशन है ये है हॉस्टल बीएचयू का, मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा इसको घुमा के देखना, बच्चों को पता चले कि ये हॉस्टल कैसा दिखता है। और इसमें वो दीमक, वो उधर दीमक भी खा रहा है, और अच्छी बात ये है कि इस रूम में मुझे दोबारा आना पड़ा, बहुत साल पहले मैं यहाँ पे एक दो बार आया हुआ था, मेरे को सीनियर्स यहाँ रहा करते थे। और ये है आर के हॉस्टल, तो ये मिलता है किसको? ये साइंस वालों को, बीएससी जो कर रहे हैं, बीएससी जो कर रहे हैं उन लोगों, फर्स्ट ईयर वालों को स्पेशली। अच्छा, और थोड़ा सा अपना लव लाइफ बताओ तुम लोग। कुछ अभी तक तो क्या क्या बोला, पूरी खाली है, पूरी खाली है, कोई ऐसी कोई मतलब जो बैच एडमिशन लिया उसमें लड़के भी चल गए क्या? नहीं नहीं, लड़कियां हैं, मंगल के पोजीशन। क्या क्या, नहीं फास्ट बताओ ना मुझे, मतलब ओपनली बताओ कि क्या लड़कियां हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम कहां से आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि अपने पास बाइक नहीं है, बुलते नहीं, बाइक नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये सब खुद का सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। तो मीन्स ये बेसिक रिक्वायरमेंट है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, ये सब चीज होनी चाहिए तभी लड़कियां बनती है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस तो ये होती है। अच्छा, लड़कियां प्रेफर करते हैं, मतलब जब तुम जैसे प्रपोजल लेके गए, तो तुमने इधर से प्रपोजल रखा, उधर से ये क्वेश्चन बैक में आता है कि बाइक है, यू हैव बाइक। अगर मैं प्रपोजल लेके गया और साथ में कोई बुलेट वाला आ गया तो एक्सेप्ट उसका होगा। नहीं, अभी मेरी कोई नहीं बनी है, ट्राई है अभी तक, चिक्का तो सफल होती है। अच्छा, कभी लाइफ में बैच का स्टिल जजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसा होता है ना कि मतलब अपने क्लास की बंदियों को सीनियर उठा ले जाते हैं, इसी बात से सेकंड ईयर का वेट कर रहे हैं कि एक बार हम को ऐसा। अच्छा, तुम लोग तो ऑब्जर्व, या हो सकता है कि पता ना हो, कुछ ऐसा हो गया हो। अच्छा, तुम लोग ये ध्यान देते रहते हो कि कौन सी बंदी किसके साथ जा रही है? दिख जाता है, ध्यान नहीं देते तो दिख जाता है। गेट से बाइक आया, उठा के ले गया, सामने वाला भी है, उसको भी ऐसे देख लेते हैं रैंडम, कभी गुपचुप खाते देख लिया हैदराबाद गेट पे, कभी लंका में देख लिया, तो समझ जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, लव लाइफ लोगों का अच्छा जा रहा है कहने का मतलब। अच्छा अच्छा, बाय द वे, ये अब लास्ट एक थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड हम लोग बातें कर लेते हैं, जो जूनियर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें समझ में आए कि उन्हें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। मेडिकल का एम ड्रॉप कर दिया पूरा, कभी पछतावा होता है कि यार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दिया यहाँ आने के बाद? ऑनेस्ट बताओ मेरे को। एम्प्लॉयमेंट वाइज तो होता है, जॉब सिक्योरिटी वाइज होता है कि वहां अगर होते
तो एक अच्छा लाइफ रहता, सिक्योर्ड लाइफ रहता। यहाँ पे पर्सनालिटी नो डाउट की इम्प्रूव हो रही है, बट वो सिक्योरिटी लाइफ को ले, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ों में रहता है। दोस्त तुम बताओ कुछ। हाँ वो रिग्रेट तो होता है कि मतलब एक साल ड्रॉप लिए फिर भी नहीं हो पाया तो बुरा लगता है, पर क्या करें, टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उसमें, 8 साल तो कम से कम देना पड़ेगा। तो हमेशा हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है, हमेशा होता है, हर कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता है। आज मुझे यूट्यूब पे लगभग 4.5 साल पूरा हो रहा है और मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मैं उन बच्चों के स्टेटस अपने पे देख पा रहा था जो मैं स्टार्टिंग में मेरे यूट्यूब चैनल पे आए थे, मैं उनको पढ़ाया उड़ाया नहीं था लेकिन कॉन्टेक्ट में आ गए थे, तो वो प्लेसमेंट ले रहे हैं। जबकि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय उन्हें बीएचयू नहीं मिला, तो वो उसमें मुझे बड़ा बोले, मैसेज किए कि भैया मुझे नहीं मिल पाया सर, मुझे नहीं मिल पाया। आज उन्हें प्लेसमेंट मिल रहा है, जहां गए वहां मिल गया, तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहते हैं। बट यही है कि जिस प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीजें हमें मिल रही थी उसका उपभोग कर लेना चाहिए था। अगर आज नीट नहीं मिला तो कोई ना कोई कमी रहा होगा, कहीं ना कहीं कमी रहा होगा। एफर्ट कम डाला लगता है अभी की, थोड़ा एफर्ट डाल देते तो हो गया होता, तो एक बढ़िया सिक्योर प्लेस मिल जाता। हमेशा रिग्रेट रहता है कि मैं अगर उसी फील्ड में अगर मैं एक बार और एफर्ट अच्छे से करता शायद हो जाता तो, पर लेकिन अब टाइम उतना नहीं रहता है, अब फैमिली भी उधर करती रहती है, 2 साल तक तुम वे कितना वेट करोगे, अब आगे भी बढ़ना पड़ता है। यादव जी बताइए, बीएचयू में दूध मिलता है? हाँ मिलता है। जाते हो पीने? हाँ पीने जाते हैं, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती जितने मेरे घर की होती है। नहीं सही बात है भाई। हाँ, लेकिन घर में यादव तो पानी मिलाते हैं दूध में। हाँ। नहीं अपने लिए नहीं मिलाते। अच्छा, अपने लिए मिलाते हैं। और बेसिकली अपने फिजिकल फिटनेस बताओ, फिटनेस क्या ध्यान देते हो? सब लोग की फिटनेस बहुत अच्छी है, क्या ध्यान क्या करते हो? मैं सोचा था जिम जाऊंगा लेकिन जा ही रहा हूँ, अब फिर से स्टार्ट हो। रोटी चाप के खाते हो मेस का पूरा? हाँ मेस में खाना ठीक रहता है, 50 रुपए में अगर हिसाब से देखे तो क्वालिटी और क्वालिटी सब्जियाँ हम बेच चुके मेस, मतलब इधर एरिया में कह सकते सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया स्टूडेंट के लिए, बजट में भी है और अच्छा खाना। लास्ट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, तुम लोग देखे थे जब तैयारी कर रहे? अच्छा मतलब क्या कितना हेल्पफुल रहा? हेल्पफुल तो काफी ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा रहा, इंफॉर्मेटिव काफी ज्यादा था। काउंसलिंग वेट करते थे हम लोग कि अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कब, जिसके हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि हम जो कि हम लोग का एडमिशन है लेट का भी प्रोसेस हो रहा था, तो हम लोग काफी बैठे बैठे बोर हो रहे थे और हम लोग हमेशा वेट करते थे नेक्स्ट वीडियो का। कहीं ना कहीं रहता था कि पांच साल आप ये चीजें मिल जाती है। 2023 में लेट हुआ और कुछ में, तो हम लोग कि कब जाएंगे यूनिवर्सिटी में जाने का वो था अंदर से, तो उसके लिए चैनल काफी देखते थे कि कब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और कब हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। चलो बहुत सारा जूनियरों को क्या लास्ट में बोलना चाहोगे? सब लोग एक एक चीज बताओ। चलो कोशिश करो कि यहाँ ना पड़े। अपना जो प्राइमरी गोल है उसके लिए पहले तो 100% एफर्ट डालें, अगर नहीं होता है तो आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, कैंपस लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है, एम्प्लॉयमेंट नहीं ना देता हो। हमारे समझ में आना ही चाहिए, अगर कहीं नहीं होता है तो आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस बेचू जो कि आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी अच्छा प्रोवाइड करता है। बताइए यादव जी। नहीं आना तो चाहिए, काफी सही जगह है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पर भी आकर घूम ले, और बीएचयू ठीक भी है, मतलब बीएससी के लिए हो सकता है कि डीयू से मुझे लगता है कि डीयू से नहीं लेकिन और जगह से बीएससी अगर करना चाहते तो आपको सिखा देगी कि आपको पढ़ना कैसे है, आपके जो क्लासेज होंगी वो 9 से 4 कभी कभी 2 से 4 होती है, तो आपको सिखा देती है कि आपको लाइफ में पढ़ना कैसे, मेहनत कैसे करनी है, तो आना तो चाहिए यहाँ पे। चलो तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, तीनों में से क्या चूज करोगे? बीएचयू। सब बीएचयू चूज करो, ओपन कैंपस है, सारे लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा। अच्छा बीएचयू की बात हो रही है, सबसे बढ़िया प्लेस क्या है बीएचयू में, सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे बेस्ट प्लेस अभी तक जो एक साल में देख पाए? सबका अपना अपना हो सकता है, तुम्हारा क्या दोस्त? आईआईटी का एग्रीकल्चर फील्ड जो था वो बढ़िया लगा था थोड़ा, और IIMS तरफ काफी सही माहौल है। नहीं, देख के अच्छा लगता है। एक बात दिमाग में बैठा लो, जो चीजें ना बन पाओ तो जरूरी नहीं है कि तुम दूसरे साइड नहीं देख सकते। बिल्कुल, इसी तो मैं जाता हूँ। अपन डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई दूसरे को बनते हुए देख के अच्छा लगता है। नहीं अपना डॉक्टर जुगाड़ कर सकते हो, ऐसा भी तो है। हाँ। डॉक्टर साहब भाई वो तुम्हारा इलाज करते रहेंगे। इसी गोल से तो जाता हूँ।
एग्रीकल्चर फार्म हाउस सही। ये तुम लोग कहाँ घूम रहे हो यार फार्म हाउस? अरे वीटी सही लगता है, वीटी और लाइब्रेरी वाला एरिया। ये दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं, भगवान जाने फार्म हाउस क्या देख रहे हैं। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा, रैंडम मीटअप था, प्लान नहीं था इस तरीके की इतनी अच्छी बातें हो जाएंगी। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, इससे अच्छी बातें बिना कैमरे पे हुआ है। थोड़ा सा ये लोग कैमरे पे शर्मा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि बैग नहीं लगा है तो लगना भी नहीं चाहिए। बैग वाले कंडीशन ही मत क्रिएट करो, और जिस एम से आए हो उस एम को पूरा कर लेना। यानी एक एम तो टूट ही गया, दूसरा बनाया हो तो उसको मत टूटने दो। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बाकी जो बैचमेट्स इनके देख रहे हैं बीएचयू में, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एमएमबी या बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग एक कौन सा मीटअप, वो जी मीटअप हम लोग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज जो खो गया, जो पाने की अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा। मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने घर परिवार को दिखाएं, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाँ वो बढ़िया सा नारा लगा दिया था। चलिए ओके, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।